किसानों की समस्या को देखते हुए तहसील क्षेत्रों में राजस्व विभाग द्वारा वृहद राजस्व शिविर लगाया गया, जिसमें सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक समस्याओं का आवेदन लेकर तत्काल निराकरण किया जा रहा है। और अभी 12:30 बजे तक लगभग 200 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, जिसमें आय जाति निवास के साथ ही कई किसानों का महानदी डूबन क्षेत्र के जमीनों का खेत में ज्यादा पानी भर जाने से फसल का नुकसान हो गया था, जिसका मुआवजा आज शिविर में SDM मोनिका वर्मा ने चेक माध्यम मुआवजा राशि किसानों को दिया है। SDM ने खुद शिविर में जाकर मुआयना कर रही है कि किसानों को कोई समस्या ना हो। सारंगढ़ तहसील के तहत राजस्व शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर यहाँ सभी जो तहसील से संबंधित सारे हलके के पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार एवं मैं SDM, हम सारे लोग 10 बजे से यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसकी हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से अच्छे से मुनादी करवाई है, ताकि लोगों को इसकी सूचना प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस शिविर का लाभ उठा सकें। कौन कौन समस्याओं को लेकर ये, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बटांतर या बर्तन के आवेदन तो ले रहे हैं, फौती आए जाते निवास या कुछ किसी तरीके से कुछ इनको प्रमाण पत्र पटवारियों से लेना है या कोई एप्लीकेशन ही मांग कराना है, हम वो भी कर दे रहे हैं। सारे जो जितने आवेदनों का आज निराकरण संभव हो पाएगा, उसका निराकरण आज इस शिविर के माध्यम से ही किया जाएगा, एवं जो बचे हुए आवेदन होंगे उनका भी शीघ्र निराकरण किया जाएगा। जो न्यायालय संबंधित एप्लीकेशन होंगे उसको न्यायालय में दर्ज करके विधिवत कार्रवाई होगी। अभी तक 12:30 बजे तक कुल 250 आवेदन पंजीयन हुए हैं। यहाँ पर लोग बहुत अच्छी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और इस शिविर का लाभ उठाए। अभी किन किन स्थानों में शिविर लगा है मैडम? आज 2 तारीख को एक कारण हमारे सारंगढ़ तहसील में है और जिले के बिलाईगढ़ तहसील में भी इसका आयोजन है। कल सारंगढ़ अनुविभाग के बरमकेला एवं बिलाईगढ़ अनुविभाग के मडगांव तहसील में आयोजन होगा और 4 तारीख को सरिया तहसील में। अपील क्या करना चाह रहे हैं अभी लोगों को, जनताओं को अभी अपील कुछ राजस्व संबंधित? हमारी सभी लोगों से यही अपील है कि कभी विविध कारणों से अगर व्यस्तता होती है, पटवारी, तहसीलदार या कोई अनुपलब्ध हो जाते हैं, लोगों को थोड़ा भटकने की स्थिति बनती है, तो उसको दूर करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अगर इसमें आते हैं, अपने एप्लीकेशन देते हैं, तो उनको परेशानी कम होगी और SDM से लेकर पटवारी तक सभी जो राजस्व के अमला है वो वहाँ यहाँ पर एक साथ अवेलेबल है, तो बेहतर उनके आवेदनों का निराकरण शीघ्रता से किया जा सके। क्या नाम है आपका? पनीग्राम भारती। कौन सा गांव से हो? चुलेरा से। अच्छा, आज शिविर लगा है, क्या समस्या लेकर आए हैं? यहाँ फौती कटवाने के लिए आए। तो क्या हो रहा है? फौती काट दिया। तत्काल हो रहा है काम आपका? तत्काल हो रहा है काम। कोई समस्या? समस्या तो नहीं है, अभी तुरंत किया काम। संतुष्ट हो हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार मंगल। अच्छा, कौन सा गांव से? बासिल महाराज से। और पटवारी कौन है? पटवारी रविशंकर जी हैं। अच्छा, सारंगढ़ में आज शिविर लगा है राजस्व शिविर, क्या समस्या लेकर आए हैं? इसमें पहले हम लोग का जो पिताजी जमीन लिए थे भाई के नाम से है, उसका नंबरदार है, हम लोग हिस्सेदार में, तो पहले नाबालिग निगम हुआ था, वो नाबालिग को हटवाने के लिए हम लोग आवेदन दिए। तो आपका निराकरण? निराकरण जमा कर दिए हैं, बोले हैं कि जल्दी हो जाएगा आपका निराकरण, और इसके लिए आश्वासन ये स्वस्थ।